क्या लगता है इस बार नाहन की जनता क्या चाह रही है? अभी तो कुछ नहीं चाह रही है, जोर तो है कांग्रेस का जाए। इसके अलावा ऐसा कुछ है जो आप अपने नेता से पूछना चाहते हैं? नेता से क्या पूछना, जब मिलते ही नहीं। क्या लगता है, कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, लेकिन किसका जोर ज्यादा है यहाँ पर? नाहन में बराबर सही है। क्या लग रहा है इस बार हिमाचल की हवा क्या कह रही है? देखिए, बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बदलाव होने से क्या है कि कई लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। चुनावी मूड ऑन है और हर कोई इस वक्त चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। लोग जो हैं वो तमाम चीजें देख रहे हैं। इसी तरीके की गाड़ियां जो हैं वो जोर से प्रचार करती हुई जाती हैं, और चाहे सुबह हो शाम हो, ये प्रचार की गाड़ियां जो हैं वो लगातार घूमती रहती है। मेरे पास यहाँ पर बुजुर्ग हैं, नाहन की सीट में हम लोग हैं, आपको बता दें। तो बुजुर्गों से पहले मैं जानूंगा कि आखिर क्या कुछ इस चुनाव में होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? वीर सिंह जी। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। नाहन? नाहन के। क्या लगता है इस बार नाहन की जनता क्या चाह रही है? अभी तो कुछ नहीं चाह रही है, जोर तो है कांग्रेस का जाए। जोर कांग्रेस का है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि जोर कांग्रेस का है? अभी जैसा माहौल देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यही बिंदर लग रहा नहीं, कुछ वैसे करे काम हुए नहीं। अभी 5 महीने हो गए, ये बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो 3 महीने के लिए, 3 महीने में मिलती है, और 5 महीने आज 9 दिन हो गए नहीं मिली, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। 3 महीने में मिलती है लेकिन 5 महीने हो गए नहीं मिली। 5 महीने 9 दिन हो गए, 5 महीने 9 दिन, एक एक दिन जो है वो जनाब गिन रहे हैं, क्योंकि कोई भी सुनवाई इस चीज को लेकर नहीं है। सर क्या नाम है? मैं रवि शर्मा, नाहन से ही रहने वाले। क्या लगता है सर कि नाहन की जनता क्या चाह रही है इस बार के चुनाव? अभी कुछ पता नहीं है, बराबर का है, इधर बराबर का है। आपने अपनी जिंदगी में कितने चुनाव देख लिए हैं सर? मैंने मेरे ख्याल में 8-10 चुनाव होंगे। 1957 से। 1957 आपका बर्थ है? मेरा है 41। आपका 41 का बर्थ है और नाहन में ही रहे हैं? 41 से लेके 2022 आ गया भाई लोगों, और ये बहुत लंबा सफर होता है और बहुत सारे चुनाव देखे। अगर मैं बात करूं कि नाहन में 1957 से आप वोट डाल रहे हैं, 57 से? जी हाँ जी। तो 57 से लेकर अब तक कौन सी पार्टी मजबूत रही है नाहन में? वैसे तो कांग्रेस रही थी पहले, बीच बीच में बीजेपी भी आई है 5-7 साल से। तो अभी क्या लगता है, कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, लेकिन किसका जोर ज्यादा है यहाँ पर नाहन में? नाहन में बराबर सही है जी। हाँ जी, परेशानियां जरूर हैं जनाब, कहते हैं कि पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है, पेंशन मिलना बहुत जरूरी है, बुढ़ापा पेंशन बिल्कुल। 3 महीने में मिलती है, हाँ, वो 5 महीने 9 दिन। तो आप ये, इसके अलावा ऐसा कुछ है जो आप अपने नेता से पूछना चाहते हैं? नेता से क्या पूछना, जब मिलते ही नहीं, ये सुनाई नहीं करते, नेता तक तो पहुँच नहीं देते, आगे के चमचे बात किसे करनी। अभी तो मिल रहे होंगे चुनावी दौड़ भाग में, तो आते ही है, फिर मजबूरी बताते हैं, पर सुनाई तो फिर भी नहीं है। तो पकड़ के पूछो, हाँ भाई पकड़ के, एक आदमी क्या करेगा, थोड़े थोड़े लोगों को मैं बने, या तो इकट्ठे हो जाने जी सब, एक आदमी क्या करेगा। हाँ ये भी बात सही है। यहाँ एक और गाड़ी जो है, निर्दलीय भी खड़े हैं, यहाँ दो हैं शायद, दो निर्दलीय हैं, पार्टी है यहाँ पर, जो 3 मेजर पार्टियां जो है वो हिमाचल में इस बार अपना ताल, अपना दाव जो है वो ठोक रही है। यहाँ पर एक और भाई है, नाहन के रहने वाले, कहाँ से हो? नेपाल में। नेपाल से, यहाँ काम के सिलसिले में? हाँ जी। क्या बात है, कितने सालों से? बस अभी तो बहुत साल हो गया जी। बहुत साल हो गए यही नाहन में? चलो नेपाल से तो हो, क्या यहाँ तो बहुत साल हो गए। क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा है? हाँ जी, किसका, कौन सी पार्टी का जोर ज्यादा है नाहन में? पार्टी के बारे में हम इधर का क्या बताए जी, ये जनता है, ये सब जानती है। आ जाओ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सो लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी राय। सो यहाँ पर हमारे साथ खूबसूरत महिला है, उनसे जानते हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं देखो नाहन से ही हैं। हाँ जी। इस बार क्या लगता है नाहन की जनता क्या करने वाली है, इलेक्शन में क्या होने वाला है? इलेक्शन में दोनों ही साइड मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार ठीक ही है और कांग्रेस भी। कांग्रेस ने जो किया है ये मतलब कि पेंशन वगैरह देंगे हम, इसके बेस पे शायद ये जी सकती है, मे बी, बाकी बीजेपी भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब टक्कर का मुकाबला है। तो आप
अगर मैं जानूं कि पिछले कुछ वक्त की बात करूं तो क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, आप यहीं पे वोट देती रही? हाँ जी, कितने साल से दे रही है? अभी तो दो बारी दिया है। हाँ, तो क्या उठा पटक रही है? ऐसा हिमाचल में तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, ऐसे ही चलता रहता है। बट इस बार मुश्किल ही है कहना क्या हो सकता है। मुश्किल है कहना कि क्या होगा। यस मैम। क्या करती हैं आप? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हैं, पढ़ रही हैं, यंगस्टर हैं, दो बार जो है वोट दे चुके हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल है। नमस्कार सर, यहीं के नाहन के रहने वाले? जी जी। क्या लगता है सर, इस बार सब घूम रहे हैं, कैंडिडेट एकदम जोर शोर से लगे हैं, क्या होगा चुनाव में? पता नहीं सर, देखो क्या बात कर रहे हैं। नहीं वहाँ मैं तो पता नहीं। आपकी नजर में कौन स्ट्रॉन्ग है? मुकाबला है जी, कोई नहीं कह सकते हैं। वादे तो दोनों ही पार्टियां जबरदस्त कर रही हैं। जी हाँ जी। आम आदमी पार्टी का कितना स्कोप है? आम आदमी का तो कम रहेगा जी, देखो। हाँ जी, वो लग रहा है वो जोर लगा रहे हैं इन चुनावों में? कोई खास ऐसा लग नहीं रहा, इतना प्रचार प्रसार कम है उनका। मुकाबला जो है वो टक्कर में है, अब कोई भी कह नहीं सकते, मुश्किल है कहना। सिर्फ नाहन की बात कर रहे हैं, पूरे हिमाचल की? नहीं मैं तो नाहन की कर रहा हूँ जी, हिमाचल को हम घूमे नहीं, देखा नहीं अब जाके। अरे तो अब हिमाचल के बारे में क्या कह सकते हैं? हिमाचल के बारे में? हाँ, तो जो अखबारों में जो देखते हैं वही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बढ़िया। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? यहीं के? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार का प्रचार, देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से चल रहा है? हाँ जी। गाड़ियाँ घूम रही नगर में? सरकारी आदमी बोलना। अरे सरकारी आदमी का। अरे कैसे भाई, कहाँ पढ़ रहे हो आजकल भाई? ऐसी मतलब कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहे हो? ऐसे ही पढ़ रहे हो? कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर काहे की तैयारी चल रही है? ऐसी बस टेस्ट वगैरह की तैयारी। ऐसे ही क्या, कोई तो एग्जाम देना होगा, ऐसे ही क्या होता है? कोई भी निकलेगा अगर उसके लिए पेपर निकलेगा तो सरकारी भर देंगे, मुद्दा है सरकारी होने का। हाँ जी हाँ जी, सही बात। हाँ जी। सरकारी नौकरी से इतना प्यार क्यों? बस ऐसी सरकारी मेंशन तो है नहीं? नहीं सरकारी तो सरकारी है ना, इनका प्राइवेट का तो ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकारी का ये है कि कुछ क्लेम वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे तो ये है कि सरकारी का कुछ हो नहीं सकता है। तो नहीं है ये? नहीं नहीं ये तो नहीं है। आपकी नहीं? हाँ। नहीं तो सरकारी जो है वो जरूरी है, पेंशन तो है नहीं यार? पेंशन तो ये तो सरकार के ऊपर है अभी कि पेंशन तो नहीं है यार, क्या दिक्कत है, देनी चाहिए। हाँ जी, लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो एनपीएस वाले, ओपीएस का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है लेकिन उसका समाधान नहीं। मैडम बड़े, नमस्कार मैडम, बैठ जाएं? नहीं। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा यहीं से हैं? हाँ जी। नाहन की रहने वाली, क्या करती हैं? मैं कंप्यूटर कर रही हूँ अभी। कंप्यूटर कर रही हैं। अच्छा मुझे बताइए कि वोट देने जाती हैं? नहीं अभी फर्स्ट टाइम मेरा। अच्छा फर्स्ट टाइम है, एक्साइटमेंट है तो फिलहाल? फिर तो आप देख रही होंगी कि कौन स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है क्या नहीं। सब अपनी तरफ से बेटर कर रहे हैं फिलहाल तो। हाँ जी। आपको कौन बेटर दिख रहा है अभी? तो क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, कुछ नहीं। अच्छा अगर आपको अपने नेता से एक सवाल पूछना हो, क्या सवाल पूछोगे आप? कोई सवाल नहीं, हर बड़ी संतोष नाहन की जनता है। फर्स्ट ही वोट है फिलहाल अभी। काम तो पहले से ही चल रहे हैं ना, तो क्या रहेगा कैसे? अरे भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया। नाहन? नहीं मैं श्लेकन सीजन से। लिया शिलाई सरमौर में ही पड़ता है। हाँ जी। तो क्या कह रही है सरमौर की जनता? सर कांग्रेस आनी है, डेफिनेटली आनी है। डेफिनेटली रिवाज रहेगा बीजेपी कांग्रेस? रिवाज वही रहेगा, कांग्रेस आएंगी, वीरभद्र मंडल चलेगा और विकास होगा। युवा बहुत ही त्रस्त है, इन्होंने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, माइनस में इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने भर्तियों में जो घोटाले किए हैं ना, वो घोटाले सब युवा जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं होता क्या है, क्योंकि बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन चुनावों में होने क्या वाला है, किस तरीके की चीज है, किस तरीके का मूड जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जो पढ़ाई लिखाई पर गौर करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हाय सर कैसे हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है? नहीं। मुझे लगा पीछे हो रहे हैं तो शायद। नहीं नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं। यहीं के रहने वाले? नहीं यहाँ। कहाँ से? कुल्लू मनाली से। कुल्लू? जी जी। कुल्लू से? जी जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल की हवा क्या कह रही है? देखिए बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव होने से क्या है कि कई लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। आज जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों की जो ओपीएस की मांग है उसको ही सबसे ऊपर माना जा रहा है, जो आम मुद्दे हैं वो गायब है। एक आम इंसान को रोटी चाहिए, रोटी पकाने के लिए गैस चाहिए, और गैस की कीमतें आपको पता ही है क्या चल रही है आज की।
तो 50 रुपए या 100 रुपए कम करने से वो कीमतें नहीं हटेगी, और उसके जो चूल्हा है वो जलता रहना चाहिए। उसकी मुद्दा गायब है, वो मुद्दा बिल्कुल गायब है यहाँ से, महंगाई का मुद्दा गायब है। बेरोजगार जो है वो सड़क पर घूम रहा है, उसके लिए जॉब नहीं है। सरकारी नौकरियों में इतने ज़्यादा रूल हैं, उसमें उस व्यक्ति को उलझा के रखा हुआ है। ट्रेनिंगों में इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, हर जगह अप्रोच का मामला, जहाँ पर अप्रोच होगी उस व्यक्ति को आगे किया जाएगा, जहाँ अप्रोच नहीं होगी वहाँ पर उस व्यक्ति को आगे पीछे जो है पीछे रखा जाता है। तो ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय चैनलों पर गायब हैं, और सिर्फ OPS एक ही मुद्दा है जो पूरे हिमाचल में गूंजता जा रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो रोज रोटी खाता है, रोज कमाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई साहब। इसलिए जो है बहुत सही, बहुत अगर सरकार बदलती है तो एक आम आदमी यही उम्मीद करता है कि नए लोग आएंगे तो शायद कुछ होगा। और हिमाचल में हर हमेशा यही होता रहा है, लेकिन मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं। कभी BJP, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस, कभी BJP, मुद्दे तो वहीं हैं भाई साहब। ऑप्शन और है नहीं है, यही ऑप्शन है लास्ट। आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से आई थी, कह रही थी कि भाई नया ऑप्शन लेकर आए हम, क्या लग रहा है? या आम आदमी पार्टी है, उसके पास जो लोग आए थे वो सिर्फ टिकट के लिए आए थे। अच्छा। वो सिर्फ MLA बनने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तब उन्होंने सबने आम आदमी, इवन की प्रदेश का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जिला के कई अध्यक्ष है, कई पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी में थे, वो सिर्फ टिकट और कुर्सी की रेस में है। आम आदमी पार्टी में जाने के लिए आदमी को जिगर चाहिए, पहले उसे पार्टी में रहने के लिए कम से कम 5 से 7 साल चाहिए, पार्टी के लिए वर्क करे, उसके बाद वो जनसेवा में जाएगा। अदरवाइज सिर्फ वो टिकट के लिए जाएगा तो वो नहीं, आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। लग रहा है कि वो जोर लगा रही है आम आदमी। हाँ, जोर उनका पूरा है, पर 1 या 2 सीटों से ऊपर शायद अगर ऊपर निकल पाए तो। जनता सब देख रही है। एक भाई साहब कुल्लू से थे जिनको लगता है, क्या हाल है भाई? बढ़िया, आप सुनाओ? बस बढ़िया। अभी आपसे बात की थी हमने। नहीं, हमने की थी। क्या नाम है? उमेश छत्री। उमेश छत्री। कहाँ से? मैं नान से हूँ। नान से ही हूँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? ब्याह कहना तो चाहेंगे कि आजकल जैसे सबसे जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है हमारे, जो इतनी महंगी कोचिंग हो गई, एक धंधा हो गया कि कोचिंग लेता है गरीब लोग का बच्चा जो गांव से बाहर आता है। पर कोचिंग कर रहे हो और काहे की कर रहे हो? मैं तो फिलहाल अभी लाइब्रेरी जाता हूँ जस्ट। कोचिंग नहीं ले रहे हो? नहीं, कोचिंग नहीं ले रहा हूं। महंगी बहुत है। हाँ, महंगी बहुत है, फीस है, बाहर रेंट लेके रहता है स्टूडेंट्स, और फिर 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी फिर वो टेस्ट देता है। अभी मेरे साथ एक दोस्त आया हुआ मेरा, उसने 2-3 टेस्ट निकाल लिए JIIT के, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो मतलब जॉब की श्योरिटी नहीं है कोई, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो कि जो भी हमारा महंगाई है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो जनता इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या चाह रही है जनता? जनता इस टाइम बदलाव चाह रही है, बिल्कुल बदलाव चाह रही है, क्योंकि BJP की सरकार में जो भी कोई ज़्यादातर जो डिबेट होती है वो आपने न्यूज़ चैनल में देखी होगी, हिंदू मुस्लिम, वो मतलब मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है, मुद्दे से हर इंसान भटका हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी और OPS का जो हिमाचल में जो फैक्टर है OPS का है, किसी भी एम्प्लॉय का, वो BJP का जो कट्टर वोट है वो कट रहा है और कांग्रेस को जा रहा है। OPS का जो मेन फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इस टाइम, और वो बदलाव लाएगा, बदलाव लाएगा OPS का और जो स्टूडेंट्स का ही JIIT वगैरह का है, ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो ये भी कहते हैं कि ये तो भाई मिली भगत में चल रही है कांग्रेस और BJP आपस में सहमति से, भाई एक बार तू राज कर ले, एक बार मैं राज कर लूं। वो तो जनता के हाथ में। चेंज जनता चाहती है तो चेंज होगा, नहीं चाहती है तो राज वही करेगा जो जनता चाहती है, जिसका जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिसको जनता वोट करेगी, सपोर्ट करेगी। बहुत सही बात बोली कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का एक नौजवान के लिए, कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चले हैं, एक धंधा जो है वो जनाब ने कहा कि बनता जा रहा है, और उस धंधे का क्या होगा, कैसे होगा, ये तो सवाल बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता क्या चाह रही है, जनता का प्यार किसे मिल रहा है, वो बड़ी चीज़ है। नमस्कार सर, बात करें आपसे? अरे क्या नाम है, नाम तो बताइए। मेरा नाम देवदास शर्मा। कहाँ से? इधर से, नान से हूँ। नान से ही है। क्या करते हैं सर? क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से हूँ। लग रहा है आपको देख के, आर्मी वाला बंदा कहीं से भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसकी पीठ, उसकी रीढ़ जो है वो हमेशा सीधी रहती है ना। हम भले ही झुक जाएं, लेकिन एक फौजी हमेशा सीधा रहता है। बिल्कुल। क्या कह रही है नाहन की जनता, और एक फौजी क्या कह रहा है? फौजी इस बार विकास के नाम पे अपने वोट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम हुए हैं 5 साल के अंदर वो बहुत बेहतरीन काम हुए हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल रहा, उस दौरान यहाँ पे जबकि यातायात पूरी प्रभावित हो गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीन दी है, तो सबसे बड़ा काम किया है।
80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज वगैरह दिया, अभी तक चल ही रहा है। चाहे सरकारी कर्मचारी था चाहे पेंशन वाला था, उनकी किसी की पेंशन बंद नहीं की, कोई भूखा नहीं रहा, तो सबसे बड़ा काम किया। और जो नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात है, जितना काम बिंदल साहब ने, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, कोई हमारे लिए सब पार्टी इक्वल है, पर हम जो काम किया है, काम का बात बता रहे हैं आपको, तो बिंदल साहब ने 5 साल में जो काम किया है, इन्होंने 3 साल जो मिले हैं तो इन्होंने बेहतरीन काम किया है। जो काम 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने वो काम नहीं किया है। नाहन में मुद्दा रहता था, पानी का मुद्दा रहता था नाहन में, इस बार पानी ओवरफ्लो जा रहा है, टैंक से ओवरफ्लो जा रहा है, तो बहुत बेहतरीन काम किया है। और फिर जो सबसे बड़ा आम जनता के लिए पेंशन का था, कांग्रेस की सरकार थी 80 साल में पेंशन देती थी, उन्होंने पहली कैबिनेट में 70 साल किया और अभी 60 साल में, तो सबसे बेहतरीन है, सब अच्छा किया है। काम है, ये तमाम काम जो है वो नज़र आते हैं कि भाई जनता के लिए काम किए, जनता के लिए काम किए, धरातल में झूठे वायदे नहीं किए, धरातल में काम दिखाई दे रहे हैं, धरातल में काम दिखाई दे तो क्या ही कहना। अरे भाई साहब उठ गए यार, हैं कुछ कहना चाह रहे नहीं सर? क्या नाम सर? बालक राम है। क्या करते हैं आप? पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ सर। सरकारी? हाँ जी। तो कुछ नहीं बोलेंगे सर? एम्प्लॉयज तो क्या बोलेगा सरकार का। अरे एम्प्लॉयज भी तो वोट देगा जाके। ना वो तो है सर, चलो एम्प्लॉय को तंग नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं बोलते। क्या नाम है सर आपका? आपसे बात? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह? वीर सिंह क्या करते हैं आप? रिटायर हूँ सब इंस्पेक्टर। अरे रिटायर हैं, क्या बात है। तो क्या कह रहे हैं आप, क्या होगा इस बार नाहन की सरजमी पर? से मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नाहन नहीं है, मैं शिलाई से। शिलाई से? अरे सिरमौर से तो है। सिरमौर से था, सिरमौर से। हाँ, विकास के लिए वोट देना चाहते सारे, जो ज्यादातर मुद्दे लोगों के बेरोजगारी है और महंगाई है, उसके खिलाफ वोट डालेंगे। मुद्दों पर इस बार जो है वो चुनाव लड़े जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही बात है। अपने नेता से कुछ पूछना चाहेंगे? एक सवाल अगर पूछने का मौका मिला आपका नेता आपके सामने, वो क्या पूछेंगे? हम पूछे कि भी विकास करो, विकास इसके लिए और कुछ नहीं, जो विकास करेंगे उनको ही वोट दिया जाए। आप क्या पूछेंगे सर? हम तो नेता से यही पूछ रहे हैं, आने वाले समय में और बेहतरीन विकास होगा यहाँ पे नान विधानसभा क्षेत्र से, तो उम्मीद है भाई इस बार डॉक्टर राजेविंदर भारी मतों से विजय होंगे, यानी पिछली बार से डबल से होंगे, यानी 10,000 वोटों से विजयी होंगे। वो तो देखना पड़ेगा सर कि कैसे, कितने वोटों से, कितने मार्जिन से जो है वो जनता जिताती है। क्या नाम सर? सुरेश भारद्वाज। सुरेश भारद्वाज जी नाहन से? नाहन से। क्या कह रहे हैं सुरेश भारद्वाज जी? इस बार है तो भाजपा की ज्यादा लहर, तो भाजपा का ज्यादा है, भाजपा ही आएगी ज्यादा। क्या नाहन में आएगी, हिमाचल में आएगी? नाहन में तो हमारी तो सीट पक्की है ही नाहन की, बाकी हिमाचल की भी उम्मीद तो यही है अभी। अच्छा, पूरे हिमाचल में। अपने नेता से कुछ पूछना हो तो क्या पूछोगे? नेताजी से बोल रहे हैं भी, जो रहे हुए काम है ना वो जल्दी से जल्दी, छोटी गलियां जो है सड़कों का वो सब जल्दी होना चाहिए पूरा। अपने वार्ड मेंबर जो है ना उनको भी बोले भी, अपने अपने जो वार्डों में तुम्हारे काम रहे हुए हैं ना वो पूरे होने चाहिए। हमारे वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो काम नहीं करते। अरे हाँ जी, उन पे लाठी चलाओ थोड़ी। ठीक तो किसने चलानी, पर ये है भी होना चाहिए काम। विकास के नाम पे जब हो रहा है तो होना चाहिए। वोट की लाठी जो है वो पब्लिक जो है वो चलाती है। और अरे नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बात कर ले, कहाँ से हैं आप? चांदनी से। चांदनी से क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में क्या होगा? पता देने जाओगे? हाँ। किसको? बस जिसको मन करेगा अपना। वो लास्ट टाइम पे तय होगा भाई किसको वोट जाएगा आपका, है ना? चलिए ये भी बढ़िया है, देखना होगा किसको वोट जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई लोग जो है यहाँ पर लास्ट टाइम पे ही तय करते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। यहाँ नाहन की सबसे बढ़िया बात ये रही कि विकास को जो है वो वोट जाने वाला है, विकास को लेकर ही जो है वो वोट जाएगा। और विकास एक अहम मुद्दा है, और उस विकास में ना सिर्फ जो है वो जॉब का मुद्दा है, यंगस्टर्स का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो नौजवानों से हम बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बात है। एक यहाँ पे दोस्त हमें मिले, वो कहते हैं यार कोचिंग तो धंधा बन गया। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, क्या बात है। कोचिंग ले रहे हैं? नहीं कोचिंग तो नहीं ले रहा हूँ। कोचिंग नहीं ले रहा, सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है, धंधा नहीं है, क्या है? धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार की हिमाचल की जनता क्या चाह रही है?
इस बार तो कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्यों लगता है? माहौल बना हुआ इस टाइम, माहौल बना हुआ है। क्या बात, माहौल तगड़ा। नाहन में आ रही है, हिमाचल में आ रही है? हिमाचल में आ रही है। हिमाचल में सर कहाँ के रहने वाले? सर हम तो एम्प्लॉयज है, ड्यूटी वाले। ड्यूटी वाले? ड्यूटी वाले, ड्यूटी वाले एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय हैं ड्यूटी वाले। अरे नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या बात है, ये चूल्हे पे बन रही है या गैस है नीचे? हम तो आग का प्रयोग कर रहे हैं, सबका स्वास्थ्य फ्रेश कर रहे हैं, अच्छी चाय पिलाकर। बहुत बढ़िया, वही मैं दूर से देख रहा था, मैं का कुछ तो अलग नजर आ रहा है। बिजली का चूल्हा और गैस तो सारी जगह मिल जाएगी, आग कहीं कहीं मिलेगी। आग तो चुनावी यहाँ भी लगी है, हिमाचल पूरा जो है वो गर्माहट से सराबोर हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार नाहन में क्या होगा? वोट यहीं का आपका? वोट तो हमारा यहीं का है, पर कंपटीशन बराबर का ही है आपस में। अब देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप किसको जिताओगे? किसको जिताएंगे? हमारी वोट जाएगी बीजेपी को। अरे अच्छा, नाहन में बीजेपी आ रही है या हिमाचल में आ रही है? हिमाचल में भी आएगी। उस रिवाज का क्या जो हिमाचल बनाए रखा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हैं जी? बदलेगा वो रिवाज? बदलेगा जरूर। आप कह रहे हैं रिवाज जो है वो बदलेगा। और नाहन की ये जनता है, नाहन की जनता स्मार्ट है, समझती है, देखती है। नाहन के साथ साथ आसपास के एरिया यानी कि सरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जनता से हमारी मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, जाना हमने उनसे कि आखिर क्या वो सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो सवाल है जो अपने नेता से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल टुडे पूछ रहा है सही सवाल। और यही सवाल हम नेताओं से जो है वो पूछते हैं कि आखिर उन्होंने इन जनता के लिए किया तो किया क्या, क्या प्लानिंग्स वो लेकर आगे चल रहे हैं। तो हिमाचल की टीम आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लेकर जा रही है, एमएलए से, सिटिंग एमएलए से आपकी मुलाकात करवा रही है, कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवा रही है, और जान रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो है इस सफर में जोड़े रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जग्गी दीजिए इजाजत। नमस्कार।